जी अस्सलाम वालेकुम। दिस सेशन में हम प्रैक्टिस के लिए वर्ड मेकिंग पे प्रैक्टिस के लिए करेंगे कि किस तरह से हम वर्ड्स बना सकते हैं। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम यहाँ पे नंबर्स, जो कोरियन लैंग्वेज में के नंबर्स है, तो वो एक्सप्लेन करेंगे। कोरिया में मेनली दो टाइप के नंबर्स यूज़ होते हैं, एक प्योर कोरियन नंबर्स है और एक साइनो कोरियन नंबर है। इनका अलग अलग यूज़ है, वो नेक्स्ट सेशंस में हम एक्सप्लेन करेंगे किस चीज़ के लिए कौन से नंबर यूज़ होते हैं। तो दोनों का अलग अलग मतलब यूज़ है। तो चले स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, वन है तो अगर ये देखें, हियत ये एच के आवाज़ के लिए देते हैं और आ है तो हा, और एन नियन जो है ये एन के लिए होता है और फिर साथ में आ मिला हुआ है तो हाना हाना। टू, दिगत ओ के साथ क्या आवाज़ देता है, टी, और रियल है तो ये पाचम यानी बॉटम में किस चीज़ का आवाज़ देता है, एल, तुल। फिर थर्ड नंबर पे है शियत है, ए है और फिर शियत है। शियत फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मतलब यहाँ पे इसके बाद जो वावल के बाद दोबारा आता है वो सेकंड फॉर्म होता है। ये थर्ड फॉर्म है जो बॉटम में है, ये है, इसको पाचेम कहते हैं। पाचेम थर्ड फॉर्म नहीं, इसको पाचेम कहते हैं। तो पाचेम में इसकी आवाज़ है टी, सेथ सेथ। अब नियन इसकी फर्स्ट फॉर्म में एन ही है और थर्ड फॉर्म में भी एन ही है और सेकंड और पाचे में भी एन, और पाचे में शियत है, नेथ। फिर दिगत आ, शियत ओ और पाचे में फिर शियत है, ता सुत ता सुत। और सिक्स नंबर है तो ये साइलेंट है, ई अंग साइलेंट है, यो सुत यो सुत यो सुत। अब सेवन है, ये है ई अंग साइलेंट है, ई है, रियल पाचिम में है तो ये इसका कैसा आवाज़ होगा, एल एल। अगर सेकंड फॉर्म में होता है तो रियल का आवाज़ आर होता है, लेकिन ये फाचे में है तो एल, और गियक है तो जी की आवाज़, ओ पी एल, पी एफ की आवाज़ है पी एल, गुफ एल गुफ। एट है तो ई अंग साइलेंट है, यो, और दिगत है तो दिगत सेकंड फॉर्म में है तो इसकी आवाज़ क्या होगा, डी, यो दुल्फ यो दुल्फ। ओके, रियल है और पी एफ है, यो दुल्फ। नाइन पे ई यंग साइलेंट है, आ, हियत है, ओ यानी एच का आवाज़ देगा, हियत ओ है और पी एफ फी का आवाज़ देगा तो आ होफ आ होफ। दस नंबर पे है ई यंग साइलेंट है, यो और रियल, योल योल योल। अब हम आते हैं साइनो कोरियन पे, ई यंग साइलेंट है, ई है और रियल, एल, ई यंग साइलेंट है और आई, ई, ई यानी दो, ई यानी तो, सम सम सम, शियत है, आ है और मियम है तो सम यानी तीन। और शियत और आ मिला के सा यानी फोर, फोर सा, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम सा, शियत और आ सा। ये ई यंग साइलेंट है और ये ओ है, ओ वावल है ओ, तो ई यंग साइलेंट है तो वॉइस क्या देगा, ओ ओ। यहाँ पे भी ई यंग साइलेंट है और यो है और नीचे गियक है, गियक की भाषा में आवाज़ क्या होगा, के,
युक युक और यहाँ पे छिय थे, ये छे की आवाज देता है सी एच की, और ई और रियल है तो एल का आवाज देगा चेल। पी एफ पी एच की आवाज देता है पी एफ और आ और रियल, एल है तो फल। कू गियक है और ओ है कू। शियत ई और फे, तो शियत के आगे क्या है ई है, तो ये किस चीज़ का आवाज देगा शिफ, एस एच का आवाज देगा शिफ। नीचे पी एफ है तो पी एफ है तो शिफ, ठीक है। तो यहाँ तक आप इस पे इसको वीडियो को सुने 2-3 बार और वर्ड्स मेकिंग पे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सेशन में हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे इसको। थैंक यू।